कृषि क्रांति केंद्र प्रस्तुत करते हैं नर्सरी वानिकी फॉरेस्ट्री में कम खर्च में उत्तम क्वालिटी के पौधे तैयार करने की विधि। क्या आप चाहते हैं कि भारतीय किसान एक भारतीय नर्सरी उद्योग पॉलीथीन बैग से मुक्त होकर नए फायदेमंद आसान किफायती रास्ते पर आगे बढ़े और हमारे किसान समृद्ध हो, देश में वनों का क्षेत्र बढ़े, प्रदूषण कम हो, करोड़ों ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार मिले, तो आइए कृषि क्रांति केंद्र का ये वीडियो देखें। जमीन में पौधे उगाने के बाद पॉलीथीन बैग जमीन की बजाय नर्सरी के लिए पौधे तैयार करने के लिए एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर आया है, लेकिन अब यह पॉलीथीन बैग पर्यावरण के लिए परेशानी की वजह बन गई है। पॉलीथीन बैग काफी महंगी होती है। पॉलीथीन बैग भरने में काफी मजदूरी एवं समय लगता है। पानी देने के दौरान करीब 20% पॉलीथीन बैग का मुंह बंद हो जाता है, जिससे उसमें पानी पहुंच नहीं पाता और पौधे मर जाते हैं। बैग टेढ़ी होने से भी उनमें पानी नहीं पहुंच पाता है और नन्हे पौधे मर जाते हैं। पौधे लगाते वक्त साथ ही पॉलीथीन बैग काटते वक्त कुछ मिट्टी के गोले फूट जाने से भी पौधे मर जाते हैं। उपरोक्त दोषों को दूर करके हमने एक नई विधि इजाद की है। हमने उसका नाम रखा है क्रांति सिस्टम। तो आइए आपको बताते हैं क्रांति सिस्टम क्या है। इसमें सीडलिंग ट्रे में पौधे तैयार किए जाते हैं। क्रिशपीट, जो कि कोकोपीट से बेहतर नया उत्पादन है, इससे सीडलिंग ट्रे इस तरह भरे। इसमें 3 ग्राम फफूंदनाशक यानी फंगिसाइड डाले। बीज को इस तरह लगाए, फिर क्रिशपीट ऊपर से डाले, झारी से पानी दे और 25 से 35 दिनों में लगाने योग्य पौधे तैयार हो जाएंगे। इससे पौधे निकालना भी आसान है। तो आइए हम इसके फायदे बताते हैं। इसमें अलग अलग साइज के सीडलिंग ट्रे में बीज उगाए जाते हैं, जिनका मुंह सिकुड़ता नहीं है, जिससे पॉलीथीन बैग में मुंह बंद होने से पौधे मरते नहीं है। यह ट्रे किफायती होते हैं। ट्रे भरने की मजदूरी पॉलीथीन बैग की तुलना में 20% से भी कम होती है। ट्रे टेढ़ा नहीं होता, जिससे सभी पौधों को एक जैसे मात्रा में पानी मिलता है और पौधे स्वस्थ एवं एक जैसे बढ़ते हैं। पौधों का ट्रांसपोर्ट काफी आसान एवं सस्ता होता है। पौधों के जमने का प्रमाण पॉलीथीन बैग या जमीन के पौधों की तुलना में ज्यादा रहता है। पौधों की गुणवत्ता पॉलीथीन बैग से बेहतर रहती है। कपास, तूर आदि फसलों में लागत कम करके उत्तम क्वालिटी का उपज मिलता है एवं ज्यादा उपज मिलकर किसानों को भरपूर फायदा होता है। किसानों के युवा बेटे इसे एक उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इस पद्धति के कई सामाजिक फायदे भी हैं। खेती की लागत कम होकर उत्तम क्वालिटी की उपज मिलती है। किसान समृद्ध होता है। ऑफ सीजन मतलब दूसरों से पहले अपनी उपज यदि बाजार में आती है तो आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जैसे आपकी भिंडी, करेला या फूल दूसरे किसानों से 15 दिन पहले आते हैं तो दाम भी अच्छे मिलते हैं। नर्सरी में उपज की लागत कम होती है। उत्तम क्वालिटी के पौधे तैयार होते हैं जो अच्छे बढ़ते हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। रोप वाटिका में मिट्टी का प्रयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि मिट्टी में से वीड सीड्स, कंद, कीड़े, फफूंद ज्यादा मात्रा में आ सकती है। मिट्टी काफी वजनदार होती है, जिससे हैंडलिंग तकलीफ देह और महंगी हो सकती है। आज हम एक ऐसी सिस्टम बताने जा रहे हैं जिसमें पूरे एग्रीकल्चर, नर्सरी और फॉरेस्ट्री में क्रांति आने वाली है। यह सिस्टम
यहाँ हमने इजाद की हुई है। ये सिस्टम में 5 फायदे हैं। आज की तारीख में पॉलीथीन बैग में पौधे तैयार करते हैं। पॉलीथीन बैग के आप देखेंगे बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि पॉलीथीन बैग कॉस्टली है। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि पॉलीथीन बैग भरने में काफ़ी समय लगता है। जो अभी हमने देखा है कि एक पॉलीथीन बैग भरने में करीब 60 सेकंड लगते हैं, जबकि हमारा ट्रे भरने में 6 सेकंड लगते हैं। पॉलीथीन बैग भरने के बाद में उसमें यदि वो टेढ़ी हो गई तो उसमें पानी नहीं जाता। यदि उसका मुँह छोटा हो गया तो करीब 20% बैग में पानी नहीं पहुँचता और पौधे मर जाते हैं। पॉलीथीन बैग का वजन ज़्यादा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्टली होता है। और सबसे ज़्यादा जो आज प्रदूषण का प्रॉब्लम है वो पॉलीथीन बैग फेस कर रही है। तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने नया सिस्टम बनाया, उसका नाम रखा है क्रांति सिस्टम। इस सिस्टम में आपका खर्चा कम आता है, लेबर कम लगता है, समय कम लगता है और क्वालिटी ऑफ प्लांट बेटर होता है। तो चारों फायदे, और सबसे बड़ा और एक मजेदार फायदा है कि सब्जी में आप बिफोर टाइम सब्जी ले सकते हैं, ऑफ सीजन वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हैं बिगर एनी कॉस्ट के। इस सिस्टम में आप कपास का यील्ड दुगना कर सकते हैं बिगर खर्चा बढ़ाए। यदि कपास का यील्ड दुगना हो जाए तो हमारे विदर्भ में अकेले 1300 करोड़ रुपये हर साल एक्स्ट्रा आएंगे। तुअर का यील्ड डबल हो सकता है और इसमें करीब करीब दुनिया की हर चीज़ तैयार हो सकती है जो आज नहीं हो रही है। तो इसमें ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, किसान आत्महत्या कम होगी, कारण किसान का ही करने का काम है ये। और देश के ऊपर भी जो कर्जा है या डॉलर की कीमत जो दिन पर दिन बढ़ रही है वो घटेगी। तो ये 4 मेजर समस्याएं जो है प्रदूषण की, क्षेत्रीय आत्महत्या, ग्रामीण बेरोजगारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलन। भारत का इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा करके इम्पोर्ट कम करना हो तो ये सिस्टम बहुत काम में आ सकती है। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो दुनिया में नहीं है, दुनिया को उसकी गरज है, लेकिन हम मार्केटिंग में कम पड़ रहे हैं। तो हम इसका मार्केटिंग भी करने वाले हैं, हम बच्चों को मार्केटिंग में ट्रेनिंग देंगे ताकि हमारे पास जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी है जिसकी इंसानियत को ज़रूरत है, मानवता को ज़रूरत है, उसको हम तैयार करके सारी दुनिया में भेजेंगे ताकि कृषि में भारत सबसे आगे निकल जाए और भारत के बच्चों को, यहाँ के वैज्ञानिकों को, सभी लोगों, किसानों को, दुनिया के लोग बुलाए, भी हमारे आओ देखो और हमको बताओ हमें क्या करना चाहिए। इसमें ग्रामीण युवकों को रोजगार मिलेगा, एक नहीं हर ग्रामीण युवक को जहाँ वो रहता है वहीं रोजगार मिलेगा। रोजगार भी ऐसा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा सकता घर बैठे, उसको गाँव छोड़ कर नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकता है, अपनी खेती अपने पास रख सकता है, अपने बच्चों के साथ रह सकता है। इसमें यदि आप ढंग से करो तो पोल्यूशन इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आप जो बीमारियां हैं नहीं के बराबर हो जाएगी। और सिस्टम बहुत सस्ती है, आसान है और भारतीय है और भारत के स्वभाव को सूट करने वाली है। तो इससे ये हो जाएगा कि हम दुनिया में टॉप पे पहुँच जाएंगे। और ये चाहता हूँ मैं कि भाई इसको लोग देखें, समझें, इसका प्रैक्टिस जिसको जिसको डेमोन्स्ट्रेशन देता है, ऐसी जो जानकारी है वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। इस पद्धति को आप एडॉप्ट करते हैं तो देश के करीब 2 लाख करोड़ रुपए साल के बच सकते हैं। और 2 लाख करोड़ रुपए बचते से ही देश विश्व के अग्रणी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। मैं मेरे देश के किसान भाइयों से और उनके बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सिस्टम को समझे, खुद समर्थ बने, मालामाल बने, देश को मालामाल बनाए और भारत का नाम रोशन करें। दुनिया में हमारी कृषि पद्धति सबसे अच्छी है, वो सबको बताए। जो जड़ें हैं बीमारी की, हमारी जो अर्थव्यवस्था की कमज़ोर हो रही है कृषि, उसको फिर से मजबूत करने में ये सिस्टम काम करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं इस तरह के अनेक वीडियो, मेरा 50 साल का अनुभव है जिसमें आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।